नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्यन। स्वागत आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश समेत अनेक ने अपनी मातृभाषा में अध्ययन कर ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, और वहीं भारत में विविधता ही यहाँ की विशेषता है। और उन्होंने कहा कि शिक्षा के दिव्य प्रकाश में ही व्यक्ति समाज के प्रति जिम्मेदार होता है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि माँ मातृभाषा और मातृभूमि को सदैव आत्मा से जोड़े रहने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आगे कहा कि शनिवार को देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहुँचे थे, और उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित एशिया के प्रथम बाल्टिक सेंटर का निरीक्षण भी किया। और वहीं देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के याद में बने शौर्य दीवार पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान का उद्घाटन करने के लिए और उद्घाटन के दौरान कहा कि संस्थान दक्षिण एशियाई देशों के बीच तमाम राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी सकारात्मक व्यवहार की स्थापना को प्रेरित करता रहेगा। और वहीं विश्वविद्यालय में संस्थान के स्थापना को उपराष्ट्रपति ने इस क्षेत्र का मील पत्थर जैसा बताया। और वहीं उपराष्ट्रपति ने देश के विश्वविद्यालय के नवीनतम वेबसाइट और प्रयाग प्रोटोकॉल और उत्सर्ग पुस्तक का विमोचन भी किया। और इस अवसर पर शांति कुंज और देश विवि परिवार के अलावा अनेक प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। और वहीं उपराष्ट्रपति ने प्रज्ञेश्वर महादेव का पूजन कर विश्व शांति, राष्ट्र के सुख और उन्नति की कामना भी की। उन्होंने प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण कर पर्यावरण संतुलन के लिए संदेश भी दिया। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बने हुए हैं। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक अचानक दिल्ली कूच कर गए। और वहीं आपको बता दें कि सियासी हलकों में चर्चा रही कि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया, और दिल्ली में पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में दोनों नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। और वहीं बताया ये भी जा रहा है कि इस बैठक में दोनों नेताओं से मुख्यमंत्री के चेहरे और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा हो सकती है। और इधर बीजेपी नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गई है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी किसी का नाम सामने नहीं आया। और वहीं सीएम पद के लिए हो रही कश्मकश के बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली पहुंचे, और उनकी वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पीएल संतोष से भी मुलाकात की चर्चा। और वहीं त्रिवेंद्र की इस मुलाकात के सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है और उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी और राजनीतिक मसलों पर भी चर्चा की गई। और वहीं केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुट गई है, और आयोजन स्थल और उसमें बुलाए जाने वाले अतिथियों के नामों पर भी चर्चा की गई। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि बीजेपी उत्तराखंड राज्य की बागडोर किसके हाथों में सौंपने जा रही है। और वहीं पहले पार्टी की ओर से ये संकेत दिए गए थे कि विधायक मंडल दल की बैठक रविवार की शाम होगी, लेकिन अब पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने संकेत दिए कि ये बैठक सोमवार या मंगलवार को हो सकती है। यानी बैठक होने तक ये रहस्य बना रहेगा कि पार्टी किस नेता के शपथ ग्रहण की तैयारी कर रही है। वहीं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को बड़े इवेंट के तौर पर बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने का खाका भी तैयार कर लिया गया, और इसको लेकर देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश महामंत्री अजय कुमार ने बैठक की, जिसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। और जिस तरह राज्य में दशकों से चला आ रहा मिथक तोड़कर दोबारा भारी बहुमत से सत्ता में वापसी की है, यह अपने आप में ऐतिहासिक है, और इस वजह से बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को भी ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। और इस बार का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन की बजाय देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाला है, और इस कार्यक्रम के जरिए जनता के जुड़ाव की रूपरेखा भी बनेगी, और इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी जनता के बीच आमजन को और आमजन की सरकार का संदेश देने की कोशिश कर रही। और खुद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने वर्चुअल माध्यम से बैठक लेकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए वर्चुअल माध्यम से दिशा निर्देश भी दिए थे, और उसी के अनुरूप बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की गई थी। और प्रदेश महामंत्री
कुलदीप कुमार ने बताया कि इस शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता समेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई और आने वाली 21 मार्च को केंद्र से पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। प्रदेश की नई सरकार के लिए मुख्यमंत्री और कैबिनेट से पहले नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ हो सकती है और इसके लिए विधानसभा सचिवालय में और शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटा है। हालांकि अभी तक विधानसभा ने सदस्यों के शपथ ग्रहण की तिथि तय नहीं की और वहीं माना यह भी जा रहा है कि 21 या 22 मार्च को विधायकों की शपथ हो सकती है और उत्तराखंड की 5वीं नवगठित विधानसभा के लिए बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया और चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई और नई सरकार में सत्ता की बागडोर किसके हाथों में होगी इसे लेकर बीजेपी में कयासबाजी अभी भी जारी है। वही राज्यपाल की ओर से 7वीं बार विधायक चुने गए बशिंदर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के बाद माना जा रहा था कि होली के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और वहीं राज्यपाल के माध्यम से प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है जबकि प्रोटेम स्पीकर अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और वहीं प्रोटेम स्पीकर कब शपथ लेंगे ये भी तय नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी कश्मकश के जरिए और चलते नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण भी आगे खिसक रहा है और वहीं माना यह भी जा रहा है कि सीएम और कैबिनेट से पहले सदस्य शपथ ले सकते हैं और विधानसभा सचिवालय शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुटा हुआ है। और वहीं उधर प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत का कहना है कि अभी तक उन्हें शपथ ग्रहण की कोई सूचना नहीं है और उनके शपथ लेने के बाद सभी सदस्यों की शपथ होगी। वहीं द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि 1990 में कश्मीर में बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुआ, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को मारा गया, नरसंहार हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनको अपने घर गांव अपनी उस मातृभूमि को छोड़ना पड़ा, उसकी यादें आज भी उनके जहन में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने भी मुजफ्फरनगर में इसी तरह का अत्याचार झेला और पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो नया स्वरूप कश्मीर में देखने को मिला उसको समझने में चूक हुई है और हम उत्तराखंड के लोगों ने भी मुजफ्फरनगर में इसी तरीके का अत्याचार झेला और जब सत्ता ही हम पर टूट पड़ी थी और उत्तराखंड को राज्य मिला और हमने उस दर्द को अपनी छाती में सजो लिया और आगे की तरफ देखा और कश्मीर में भी आगे की तरफ देखने की आवश्यकता है और उसके लिए आवश्यक है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए पूरी राष्ट्रीय शक्ति लगाई जाए, जहाँ भी आतंकवाद पनप रहा है वहीं उसको नष्ट कर दिया जाए। अगर भारतीय पराक्रम बंगला स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक नया इतिहास बना सकता है तो यहाँ भी आतंकवाद रूपी कार्यता को समाप्त करने के लिए इतिहास बनाने में हमको संकोच नहीं करना चाहिए और हम सबका साथ पूरा देश साथ रहेगा और आज कश्मीरी पंडितों को शाब्दिक सांत्वना की आवश्यकता नहीं बल्कि हमको चाहिए कि हम एक संकल्प पूर्ण तरीके से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर की घाटी में जहां वो थे वहां बसाएं और उसके लिए भारतीय गणतंत्र की पूरी ताकत लगा दें और कुछ कदम सरकार ने उठाए और एक आध कदम के विषय में हमारी समझ अलग हो सकती है मगर उसके बावजूद कदम तो उठे हैं और देश ने साथ भी दिया है। अगले हफ्ते भर के अंदर प्रदेश को नई सरकार मिलने वाली है और इस सरकार के सामने पुरानी सरकार की रीतियों नीतियों को आगे बढ़ाने की अहम जिम्मेदारी भी होगी। वादों पर खरा उतरने की चुनौती होगी और पुरानी धामी सरकार के कर्मचारियों सहित विभिन्न वर्गों के लिए किए गए इरादों को धरातल पर उतारने की उम्मीद भी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में कर्मचारियों की सभी समस्याओं की सुनवाई के लिए वेतन विसंगति समिति का गठन भी किया था और कर्मचारी संगठनों ने अलग अलग अपनी समस्याएं इस समिति के सामने भी रखी थी और पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि उसी कार्यकाल में समिति की रिपोर्ट आएगी और उस पर फैसला होगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वह समिति अब नई सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट रखेगी जिसके आधार पर नई सरकार के सामने लाखों कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की चुनौती पेश आएगी। और धामी कैबिनेट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का निर्णय लिया था लेकिन इसके बाद आचार संहिता के चलते आदेश लटका हुआ
और उम्मीद जताई जा रही है कि नई सरकार में मानदेय में बढ़ोतरी होगी। और इसी प्रकार धामी सरकार ने वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन के साथ ही दिव्यांग पेंशन को 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का निर्णय लिया था, जिसके शासन देश का नई सरकार में इंतजार होगा। वहीं धामी सरकार ने सशक्त भू कानून को लेकर समिति का भी गठन किया था और ये समिति पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया था। और अब बीजेपी ने इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में भी भू कानून का वादा किया था और लिहाजा प्रदेश में बनने वाली नई सरकार के सामने भू कानून की बड़ी जिम्मेदारी होगी। वहीं नौकरी की मांग को लेकर पूर्व ठेकाकर्मी विजय कुमार उर्फ जग्गा नशे में सुबह 7:30 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गया था और जिसे उतारने के लिए सीओ पंतनगर के नेतृत्व में पुलिसकर्मी, अग्निशमन वाहन सहित कर्मी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर जुटी रही। और रविवार सुबह एक युवक को टंकी पर चढ़ा देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और वहीं टंकी पर चढ़ा युवक नौकरी की मांग कर रहा था और उसका कहना था कि जब तक उसे नौकरी नहीं दी जाती वो टंकी से नीचे नहीं उतरेगा। और युवक नशे में धुत था और इसी बीच किसी ने पुलिस को उसकी सूचना दे दी और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। लगभग 3 घंटे बाद पहुंचे निदेशक निर्माण और संयंत्र डॉक्टर SS गुप्ता के मौखिक आश्वासन पर पुलिस ने विजय को पानी की टंकी से उतार कर हिरासत में ले लिया है। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ हुई कथित रैगिंग मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वहीं कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 504, 506 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया और इस मामले की विवेचना SSI तारा सिंह राणा को सौंपी गई और मुकदमा कॉलेज प्रशासन की ओर से कराया गया और राजकीय मेडिकल कॉलेज के पुरुष छात्रावास नंबर 1 के सहायक वार्डन डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि अज्ञात लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया और वीडियो वायरल किया था और वीडियो में MBBS के प्रथम साल के छात्र एक पंक्ति में सिर झुका कर चल रहे थे और छात्रों के बाल कटे थे और सभी हाथ पीछे करके चल रहे थे। और वहीं कॉलेज प्रशासन को यह वीडियो प्राप्त हुआ था और इस मामले में किसी छात्र या अभिभावक ने लिखित या मौखिक शिकायत नहीं की थी। वहीं कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज के अनुशासन समिति और एंटी रैगिंग समिति से जांच भी कराई थी और उन्होंने बताया कि जांच के दौरान किसी भी छात्र ने रैगिंग की शिकायत नहीं की। वहीं वार्डन डॉक्टर सिंह का कहना है कि इससे पहले उन्होंने खुद और प्राचार्य ने समय समय पर छात्रावास का निरीक्षण किया, लेकिन रैगिंग से छात्रों ने मना कर दिया और इसी क्रम में हाईकोर्ट के आदेश पर मंडलायुक्त दीपक रावत और DIG ने भी कॉलेज में रैगिंग मामले की जांच की। और वहीं पुलिस अब वीडियो वायरल करने वालों की खोज करेगी और इस आधार पर पुलिस टीम जाँच कर कार्रवाई भी करेगी। वहीं अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब रैगिंग हुई ही नहीं तो वीडियो कैसे बन गया। वहीं जीवन में हर रंग की अपनी विशेषता है। जैसे लाल रंग प्रेम और उर्वरता को दर्शाता है, वैसे ही पीला हल्दी का रंग है और वहीं पीला रंग शुभता और दर्शाता है और वहीं नीला कृष्ण का रंग है और हरा रंग बसंत की शुरुआत और कुछ नया करने का प्रतीक है। तो वहीं होली के इन रंगीन दिनों में बिहारी जी की मूर्ति को भी विशेष रूप से सजाया जाता है। तो चलिए आपको एक झलक दिखाते हैं वृंदावन के मंदिरों की, जहां बांके बिहारी लाल को अनोखे अंदाज में तैयार किया जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सफेद रंग के कपड़े पहने, सिर पर सुंदर मुकुट सजाए, लो होकर तैयार ब्रिज में होली खेलन कन्हैया आए। यूं तो ब्रिज के मंदिर में कान्हा की झलक देखने लोग दूर दूर से आते हैं, पर एक होली का ही त्योहार है जब कान्हा को होली खेलने के लिए उन्हें अपने भक्तों के करीब लाया जाता है। बता दें कि वृंदावन में होली रंगीन पानी और गुलाल के साथ खेली जाती है, जो फूलों और केसर जैसे कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है। इस रंगों के खेल में गोस्वामी यानी मंदिर में पुजारी बाल्टी और पानी की बंदूक और रंगों का उपयोग करके सभी पर रंग छिड़कते हैं।
और इसके बाद पूरा माहौल संगीत के साथ और भी मनमोहक हो जाता है और लोग रंगों का आनंद लेते हुए धुनों पर नाचते थिरकते नजर आते हैं। तो वहीं लाखों की संख्या में लोग ब्रज की होली में लुत्फ उठाने भी पहुंचते हैं। कश्मीर से केरल और गुजरात से असम तक होली पूरे देश में विविध तरीकों से मनाई जाती है। क्योंकि ये प्रसंग राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ है और पूरे ब्रज मंडल में होली का इतिहास काफी पुराना है, मथुरा और वृंदावन और बरसाने की होली पूरे विश्व भर में मशहूर है। इसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। यहाँ पर होली काफी समय पहले ही शुरू हो जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार से होली मनाई जाती है, कहीं लठमार होली मनाई जाती है और इसके अलावा कहीं कहीं पर फूलों से भी होली खेली जाती है, जैसे गुलाब, डेजी, सूरजमुखी और यहाँ तक कि मैरीगोल्ड के फूलों की पंखुड़ियों के साथ भी होली खेली जाती है। प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत अंतु में बने गुलाल से ब्रज में खास होली खेली जाती है। यहाँ पर बने सिंदूर सुहागन महिलाएं उपयोग में लाती हैं। इसकी मांग दूर दूर तक है और गुलाल बनाने में दर्जनों परिवारों को रोजी रोटी मिलती है। इससे जहाँ परिवार खुशहाल है, वहीं प्रदेश में अतु का नाम रोशन हो रहा है और धीरे धीरे ये व्यवसाय फैलता जा रहा है। पर ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि अंतु में सालों से ही अबीर, गुलाल और सिंदूर बनाने का व्यवसाय होता रहा है। इस व्यवसाय में अंतु और किशनगंज की दर्जन भर परिवारों के लोग जुड़े हुए हैं, जो रंग और गुलाल बनाते हैं एक साथ। सिंदूर और महिलाओं के पैरों में लगने वाले गुलाल भी यहीं पर बनते हैं। अंतु में तैयार सिंदूर को धार्मिक स्थलों पर लगने वाले छोटे व्यवसायी लेकर जाते हैं और वो सिंदूर और गुलाल की बिक्री करते हैं। प्रयागराज माघ मेले के साथ ही अयोध्या, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन समेत कई अन्य धार्मिक स्थलों पर लगने वाले मेले में अंतु के सिंदूर बिकने के लिए जाता है। होली का त्योहार नजदीक होने पर ही रंग गुलाल बनाने का काम तेजी के साथ किया जाता है और यहाँ बने गुलाल से मथुरा के ब्रिज में होली खेली जाती है। इससे क्षेत्र के सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मुहैया होता है। रंगों के कारोबार में जुड़े व्यवसायी भी इसकी बिक्री से मालामाल हो जाते हैं। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि इस व्यवसाय से परिवार के साथ साथ आसपास के गरीब श्रमिकों को भी रोजगार मिलता है। बता दें आपको कि मथुरा के व्यवसायियों ने दिसंबर महीने में ही अबीर और गुलाल का ऑर्डर दे दिया था। उन्हें करीब 50 क्विंटल गुलाल पहले ही भेज दिया गया, बाकी बचा गुलाल 2 दिन में ही मथुरा भेज दिया जाता है। तो वहीं सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं, बल्कि ये धूम होती है देश और विदेश में भी, जहां ब्रिजमय माहौल बन जाता है, जिसमें वृंदावन से आए कलाकार ब्रिज की होली खेलकर पंजाल के वातावरण को ब्रिजमय बना देते हैं और इस दौरान कार्यक्रम में करीब कई क्विंटल फूल होली खेलने के लिए मनाए जाते हैं और कलाकार यहां पर मयूर नृत्य से भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं की महिमा दर्शाते हैं। कई प्रसिद्ध मंडलियां देश विदेश में होली का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं और देखने वालों को ब्रिज की पावन धरती से जोड़ देते हैं, जिससे त्योहार का आनंद दोगुना हो जाता है। होली पर सिर्फ रंगों से ही नहीं बल्कि फूलों से भी होली खेली जाती थी और रंग बिरंगे फूलों से होली खेली जाती है, तो वहीं होली से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं जो सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है। और जैसा अद्भुत भारत देश है, वैसे ही भारत की कथाएं भी। तो चलिए समझते हैं होली के पीछे प्रचलित कथाएं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत विविधताओं का देश है, जहां कई त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं और समाज में उन त्योहारों से जुड़ी कई विशेष मान्यताएं भी हैं। बात करें सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म की होली बसंत का त्योहार माना जाता है और इसकी दस्तक के साथ ही सर्दी का मौसम खत्म होने लगता है। भारत के कई हिस्सों में इस त्योहार का संबंध फसलों से भी माना गया है और होलिका दहन के समय गेहूं की बलिया और नारियल होलिका की अग्नि में भून कर खाया जाता है। मान्यता ये भी है कि ऐसा करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यही वजह है कि किसान भी अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार होली के ही दिन भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए थे
और हिरण्यकश्यप नाम के असुर का वध करके उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को दर्शन दिए। बुराई पर भक्ति की इस जीत को याद करने के लिए भी कुछ लोग होली का ये त्योहार मनाते हैं। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि जब कामदेव ने भगवान शिव के ध्यान को भंग कर दिया था, उन्हें भोले के कोप का भाजन बनना पड़ा था, तो देवी रति के अनुरोध पर कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। कहते हैं कि फागुन मास की पूर्णिमा तिथि थी तब, और तब देवी रति ने फूलों की होली खेली थी। होली खेलने का ये भी कारण माना जाता है कि होली को लेकर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार और कामदेव के पुनर्जन्म के अलावा त्रेता युग की भी एक अलग ही कथा है। भगवान श्री हरि के 8वें अवतार श्री कृष्ण और राधा रानी की होली ने रंगोत्सव में प्रेम का रंग चढ़ाया था। मान्यता है कि इसी दिन कन्हैया श्री राधा रानी के गाँव बरसाने जाकर राधा और गोपियों संग होली खेलते थे। इसके अलावा ये भी कथा मिलती है कि इसी दिन कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रंग खेलकर रास लीला की थी। होली पर रंग गुलाल लगाना केवल आनंद और धार्मिक कारणों से ही नहीं, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक कारण भी माना गया है। होलिका दहन के अगले ही दिन से चैत्र मास का आरंभ हो जाता है, और कहते हैं कि चैत्र मास में रोग फैलने वाले जीवाणु अधिक सक्रिय हो उठते हैं, क्योंकि इसी महीने में ऋतुओं का संक्रमण होता है। शीत ऋतु की विदाई होती है तो ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, जो इन्हें प्रसार का अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ऐसे में रंगों का प्रयोग रोग फैलाने वाले कीटाणुओं के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। दूसरी ओर रंग लगाने पर शरीर की सफाई भी अच्छे से हो पाती है, जो स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करती है। तो वहीं इतिहास में अकबर और जोधाबाई के साथ जहांगीर और नूरजहां के साथ होली खेलने का भी वर्णन मिलता है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के समय तक होली का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था। शाहजहां के जमाने में होली को कोई दे गुलाबी या आबे पाशी यानी रंगों की बौछार कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में भी प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आरएन न्यूज के साथ।